ये आपका चॉकलेट वाले अंकल। ये है मेरी फ्रेंड फीलिंग गुड मोमेंट कर दिया और टैबलेट थूक दी कहाँ है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का वीडियो। गोविंद अंकल मिलेंगे, देखते हैं कब मिलेंगे गोविंद अंकल। A few moments later. हाँ, एल्फी आप किसकी वेट कर रहे थे इतनी देर से? चॉकलेट वाले अंकल की। ये आपको चॉकलेट वाले अंकल। ये है चॉकलेट वाले अंकल, बट इनका नाम आज से याद रखना गोविंद अंकल, आगे से चॉकलेट वाले अंकल नहीं बोलना है। और आपको अभी भी चॉकलेट मिली? कौन कौन सी चॉकलेट मिली? किटकैट और स्नीकर्स। वैसे आप बड़ा दिल पे पत्थर रख के दे रहे होगे ना, शेयर कर रहे होगे ना चॉकलेट। आखिर हम मिली गए, हम बहुत देर से यही सोच रहे थे ले में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। हाइट देखो कितनी हाइट पे आ गए अभी तुम। 13, 479। ये इधर कितने दिखा रहा है? 3915 meters। ये है मेरी फ्रेंड नाम भूल गई। मैं बोल रही थी तुम लोगों ने क्यों बोला है। मैं एक्चुअली गोविंद और प्रेरणा दोनों का नाम मैं एक साथ लिखती हूँ, बट मैं इसका नाम भूल जाती हूँ। हम लोग पटियाला में साथ मिले थे, अब पटियाला के बाद आज मिल रहे हैं। बट वो हम फोन चाहे महीनों में करें बट एक एक डेढ़ घंटा वेस्ट करें। हम फोन का बिल अच्छा बनाते हैं, अच्छा यूटिलाइज करते हैं, हम फोन को अच्छा यूटिलाइज करते हैं। तो गाइस अब हम लोग फोतुला पहुंच चुके हैं। मम्मा डैडी अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहे हैं जिनको लेट से वापस से जा रहे थे और लेट जा रहे थे, रास्ते में बीच में मिल गए। बताओ डैडी को आप गेम खेल रहे हो। गाइस मेरे गाड़ी में एक बंदर घुस गया जिसने नियो का फोन ले लिया। शिट गाइस अब मैं क्या करूं। गाइस एक बंदर है, बंदर कुछ बोल के दिखा। क्या तू काटेगा? वागो पीछा नहीं करेगा है आलसी। गाइस बचा लो मेरे से, मेरे को इस बंदे से बचा लो। गाइस अभी मम्मा नियो की तबीयत खराब लग रही है। मम्मा तो उल्टी कर ली, नियो बोल रहे कि उसको लग रही है उल्टी जैसा जी हो रहा है। तो अब हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं क्योंकि डैडी और मेरे को खाना है कुछ। हम डैडी ने गूगल पे रेस्टोरेंट देखा था, उसको सर्च मारा था, तो वो हम ढूंढ रहे हैं। A few moments later. तो गाइस अब हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं और गाड़ी पूरी गर्म हो गई क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो अब ये रहा रेस्टोरेंट, बहुत सारे मैग्नेट्स लगे हैं, बहुत सा थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। चलते हैं कैसा है उसका खाना देखते हैं। How are you feeling? Neo? How are you feeling? Good. Good. Vomit कर दिया? और वो टैबलेट थूक दी कहाँ है? खा रहे? खा गया? Okay. बाहर बैठोगे अंदर बैठोगे? छाया यहाँ पे है। क्या खा रहे हो? क्या चीज है ये? सूप। नो चिकन। नो नाम बताओ इस डिश का नाम क्या है? दिस इज चिकन थुक्का। चिकन थुक्का थुक्का खाने दोगी? खाएगा? ओ हेलो, खाएगा क्या? कैसा लगा? अच्छा जो तूने ऑर्डर किया था ये वो है यार? तुमने कुछ ज्यादा चीजें नहीं मंगा ली?
समझो अगर ये चिकन किसी आदमी को मार के तो टेस्ट करो। एक मिनट गाइस मैं यहां पे टेस्ट कर रही हूं। चीटिंग 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 हो रही है। गुड अच्छा यहां पे कुछ हुआ क्या? Bro, what are you talking about, man? इस जगह को मूनलैंड बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेरेन। ये मून से थोड़ा सा सिमिलर है तो ये मूनलैंड के नाम से फेमस है। तो गाइस अब हमने खाना खा लिया। हमने आज पता नहीं पहली बार पूरा प्लेट साफ कर ली और मैंने सब्जियां भी खाई। दिस इज गैम्बर। सिंक के नीचे क्या है? कांटे। होली जीसस व्हाट इज दैट? पता नहीं क्या गाइस। अभी ये है मूनलैंड। यहाँ पर आपको थोड़े ऐसे ग्रे कलर के थोड़े से येलो येलो ग्रे आपको ऐसे छोटे से गोल गोल से वो दिखेंगे माउंटेन्स। आगे वो क्ले के बने हैं सारे क्ले जैसे, इनको मूनलैंड कहते हैं। ये ऐसे पर्पलिश रॉक्स येलो लेफ्ट साइड में ग्रे आगे पर्पल और ये पूरा वो है क्या कहते हैं मूनलैंड। ये ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मून की जमीन है। ओ मून देखा होगा आपने मूवीज में देखा होगा मून वैसे ग्रे सा होता है नीचे जमीन पे, वैसा लग रहा है कि मून की जमीन है। मून का अर्थ मतलब मून का अर्थ मून का लैंड मून लैंड। Para tu nu baila, unu baila, alo no popos. अरे कहना क्या चाहते हो? गाइज हमारे बिल्कुल यहाँ साइड में इंडस रिवर है। ये बहुत पहले जब इंडिया का नाम लिखा था, जब इंडिया नहीं बना था तब इसको यहाँ पर जो ग्रीक्स थे और भी थे पता नहीं क्या थे उन लोग, वो इसको इंडोस या हिंदोस बोलते थे, जिसकी वजह से इसका नाम इंडिया मतलब भारत जो हमारा कंट्री है ना वो इस रिवर के ऊपर से हमारा कंट्री का नाम इंडिया रख दिया गया। ये जो है ये इंडस रिवर आ रही है यहाँ से और वो जांस्कर रिवर आ रही है जांस्कर वैली से। ये हाँ ये ग्रीन जो पानी है इंडस रिवर का जो ब्राउन पानी है पानी उसका जांस्कर का इनका मीटिंग पॉइंट है संगम पॉइंट मिक्स हो गया। फिर यहाँ से इंडस ही बोलते हैं इसको। इंडस तो खैर आगे पाकिस्तान में भी जाती है। ये यहाँ पे नीचे रिवर राफ्टिंग भी होती है, जाने के लिए जा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा लग रहा ना? सब थोड़ा ही रह गया। एक जगह तो मजा आने वाला है।
तो फ्रेंड्स ये था संगम पॉइंट। इंडस रिवर और जांस्कर रिवर दोनों का मीटिंग पॉइंट है और इसीलिए इसको संगम पॉइंट बोलते हैं। और इंडस रिवर बिल्कुल ग्रीन कलर की है और जांस्कर रिवर ब्राउन कलर की है। तो जो आपको मीटिंग पॉइंट है वो एकदम क्लियरली नज़र आता है कि ग्रीन और ब्राउन का दोनों मिक्स जहाँ होती है। अब हम निकल रहे हैं मैग्नेटिक हिल के लिए। नेचुरल स्लोप इसी तरफ ही है, कौन सी बड़ी बात है इसमें फिर? वो तो स्लोप ही है, स्लोप ही है। बस 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 अभी इसको न्यूट्रल में डालना है, ठीक है ना? डाल दिया, न्यूट्रल में डाल दिया है। अब छोड़ो उसको, छोड़ दे। है नहीं, अपने आप हो रहा है। और तुम लोगों को भी बताते नहीं हो। अब वो बाइक भी नेचुरली पीछे जाती देख लो। लेकिन यहाँ से अच्छा, हाँ ये थोड़ा नीचे है, दबा हुआ है और ये हल्का सा उठा हुआ है। हाँ तो ये कहना चाह रही हूँ कि बस यहाँ पर खड़े हो। बट जो नेचुरल जो स्लोप आ रहा है ना ऊपर से, पूरा नीचे की तरफ ही जा रहा है। हाँ। और ये नीचे जा रहा है, इस साइड में नीचे जा रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ स्पेशल ऐसा स्पेशल कुछ है। गाड़ी जाती है पीछे? जा तो रही है पीछे तो जाएगी ना, पीछे तो जाएगी जाएगी, तो स्लोप है पीछे। देखो नेचुरल स्लोप जो आ रहा है ना जमीन का ऊपर से इधर और उधर को नीचे जा रहा है, तो जाएगी जाएगी गाड़ी नीचे। रोक दो ना गाड़ी। रोक दी हमने, कर लिया। फिर किसे जाती है? हाँ जाएगी लेकिन ये जो गैप है हम वहाँ से मोमेंटम थोड़ा ना ले रहे हैं, रुके हुए हैं ना वहाँ। रुकने के बाद तो होगा, थोड़ा बहुत फुल होता होगा। रुकने के बाद नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये जा रही है फ्लो, तो हल्का सा ये स्लोप तो ऊपर वाला है। मतलब तो जो तुम्हारा मानना है कि भाई वहाँ से नेचुरल स्लोप आ रहा है, लेकिन नेचुरल स्लोप में वहाँ से आने भी तो चाहिए। हम तो खड़े हैं, ब्रेक लगा के खड़े हो रहे हैं, तो ब्रेक लगा के खड़े हो रहे तो वहाँ पर ही रहनी चाहिए। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा। ये देखो ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, गुरुद्वारा पत्थर साहिब है। आप बाहर से देख लो, अंदर अंदर जाना नहीं चाहते क्योंकि बच्चों ने बहुत लंबा सा सफ़र तय किया है और सबकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, मतलब थक चुके हैं। अब वो सिर्फ गेस्ट रूम में जाके रेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इसलिए इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। देखते हैं, देखते हैं। एक रोड आई थी बीच में जब तुम सो रहे थे दोनों, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसलमेर की रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट और एकदम साफ सुथरी, और साइडों पे ऐसे ही मतलब ऐसे जैसे खाली एरिया ना, ऐसे इधर भी खाली एरिया था और वो बहुत दूर थे पहाड़, तो बिल्कुल जैसलमेर। अगर पहाड़ को ना देखो तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसलमेर की रोड है। रात को यहाँ पर गैलेक्सी भी दिखती होगी। हाँ दिखनी तो चाहिए क्योंकि ये मैकबुक ले लेता हूँ, मैकबुक अच्छा। हाँ हाँ जरूर बेटा, अगले जन्म में ना एक काम करना, तुम ना अंबानी के घर में पैदा होना, ठीक है? हाँ। और फिर उसके बाद ये डिमांड करना कि भैया मैकबुक दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हम मिडिल क्लास फैमिली है। खाना नहीं दे रहे हो? हाँ तो खाना आ रहा है ना, पूरे गांव को जाएगा दिखाया तो, कि आप तो कैसे मम्मी पापा हमें खाना नहीं दे रहे, जेल भेज देंगे। हाँ तो रात का डिनर 8 बजे नहीं होता है? होता है, और कितने बजे होता है? नहीं होता, हाँ 9 बजे होता है। 9 बजे तो सोते हैं। अब तो 8 बजे है, जस्ट 8 बजे देख, 8 सिर्फ अपने उस फोन पे टाइम कर लो, 00 8 बजे है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां।